बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास एंड आई एम योर साइंस टीचर। टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 1 फ्रॉम रीडर बुक ऑफ साइंस पेज नंबर 2। वेल स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग आवर यूनिट कम टू द रिवीजन सेक्शन दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक्स मोर इजीली। वेल स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बनी है, विच इंक्लूड्स बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स एंड ऑर्गन्स। और ये तमाम जो पार्ट्स हैं उनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है, तमाम पार्ट्स का जो काम है वो अलग अलग है। एंड अगर हम बात करते हैं सेंसेस की, तो वी हैव 5 सेंसेस इंक्लूडिंग साइट, स्मेल, हेयरिंग, टच एंड टेस्ट। एंड इफ वी टॉक अबाउट द नीड्स ऑफ आवर बॉडी, देन वी विल कम टू नो दैट आवर बॉडी नीड्स एयर, वाटर, फूड एंड एक्सरसाइज। अगर हमारी बॉडी को ये तमाम चीज़ें मिलती रहेंगी प्रॉपरली, तो हमारी जो बॉडी है वो दोनों तरह से फिजिकली भी और मेंटली भी एक्टिवली परफॉर्म करेगी। सो दिस इज़ द रिविजन सेक्शन। नाउ यू हैव टू ओपन योर रीडर बुक ऑफ साइंस पेज नंबर 2। वेल स्टूडेंट्स, हेयर यू कैन सी यूनिट नंबर 1, द ह्यूमन बॉडी। यस स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंसानी जिस्म के बारे में, और इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन, 5 सेंसेस, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स, एंड वी डिस्कस ऑल दीज टॉपिक स्टेप बाय स्टेप। याद रहे स्टूडेंट्स, वीडियो के लास्ट में डिस्कशन कॉर्नर होगा जिसमें आपसे मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और वो क्वेश्चंस इस वीडियो से रिलेटेड होंगे। सो आप उन क्वेश्चंस का आंसर्स तभी दे सकेंगे जब आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से सुनेंगे और समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रीडिंग फर्स्ट। योर बॉडी इज़ लाइक अ वंडरफुल मशीन, इट कैन डू हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट जॉब्स। These jobs are done by different organs and systems. The organs and systems perform different functions, but they all work together. हमारी जो body है वो एक machine की तरह work करती है, एक machine की तरह काम करती है। जिस तरह machine को properly work करने के लिए fuel की ज़रूरत होती है, same is the case with our body. हमारी body को भी properly work करने के लिए fuel की ज़रूरत होती है, और वो फ्यूल एज अ फूड हमारी बॉडी में जाता है, और उसके बाद हम मुख्तलिफ किस्म के काम बआसानी कर सकते हैं। ये तमाम काम हमारी बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन्स और सिस्टम्स हैं वो परफॉर्म करते हैं। हमारे जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो उन सब का काम जो है वो डिफरेंट है, लेकिन वो तमाम जो हैं एक साथ काम कर रहे होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है तो उसमें मौजूद तमाम ऑर्गन्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और उनमें मौजूद कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, लाइक फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये तमाम काम कर रहे होते हैं, लेकिन इन सब का काम जो है वो अलग अलग है। नाउ कम टू दिस, डिस्कस एंड आंसर। आप यहाँ एक तस्वीर आपको दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। आपने ये बताना है कि बच्चे अपने कौन सा ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज नंबर 3। ओके, ह्यूमन ब्रेन। द ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, इट कंट्रोल्स ऑल द सिस्टम्स एंड ऑर्गन्स। ब्रेन को हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर कहा गया है क्योंकि वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनको कंट्रोल करता है, इस वजह से इसको कंट्रोल सेंटर कहा गया है। इसके बाद यहाँ आपको ब्रेन की डायग्राम दिखाई गई है, और यहाँ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन को मैंशन किया गया है। अगर हम ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स की बात करते हैं तो देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। द फर्स्ट वन इज़ सेरिब्रम, डैट कंट्रोल्स मेमरी एंड थिंकिंग, टेस्ट, स्मेल, टच, साइट एंड हेयरिंग। ये तमाम काम कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिब्रम। द नेक्स्ट वन इज़ द सेरिबिलम, विच कंट्रोल्स मसल्स मूवमेंट।
सेरिबिलम का क्या काम होता है कि जो आपकी बॉडी में मसल्स की मूवमेंट होती है वो सेरिबिलम कंट्रोल करता है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज मेड्यूला, एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट, स्टमक, किडनीज एक्सेट्रा। मेड्यूला क्या करता है कि आपके जो हार्ट, मसल्स और किडनीज का जो काम होता है वो मेड्यूला कंट्रोल करता है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो मेड्यूला है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जिसमें आपका कंट्रोल नहीं होता या आपको इंस्ट्रक्शंस देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जब आप खाना खाते हैं तो आपका डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आपको स्टमक को इंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ता कि वो फूड को डाइजेस्ट करे, वो ऑटोमेटिकली फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है? मेड्यूला। नाउ कम टू दिस, डू यू नो द ब्रेन इज़ अबाउट 73% वाटर। दिस इज़ व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर यू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। इफ़ यू डोंट, इट कैन अफेक्ट योर एबिलिटी टू पे अटेंशन एंड लर्न। वेल स्टूडेंट्स, अगर आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से तवज्जो के साथ सुन रहे हैं और मेन पॉइंट्स को अपने आप मेमोराइज़ कर रहे हैं, तो ये आप किस वजह से कर रहे हैं कि आपका ब्रेन हेल्दी है। आपका ब्रेन हेल्दी क्यों है? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं। और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? जहाँ उसकी बहुत सी रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ उसकी एक रिक्वायरमेंट है वाटर। यस, अगर आपका ब्रेन हेल्दी है, अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, इट मीन्स के उसकी जो उसमें जो वाटर की क्वांटिटी है वो कंप्लीट है और आपके ब्रेन में 73% वाटर मौजूद होता है। लिहाजा आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि आपकी जो तवज्जो देने की या पढ़ने लिखने की सलाहियत है वो मुतासिर ना हो। नाउ कम टू दिस, द सेंस ऑर्गन्स, दीज हेल्प अस टू सेंस द वर्ल्ड अराउंड अस। द सेंस ऑर्गन्स टेक इन इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट टू अवर ब्रेन सो डैट वी कैन बी अवेयर ऑफ अवर इन्वायरमेंट। अवर सेंसेज आर इम्पॉर्टेंट, दे हेल्प टू कीप अस सेफ फ्रॉम डेंजर। सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं? हमारी जो इर्द गिर्द की दुनिया है उससे हमें बाखबर रखते हैं। सेंस ऑर्गन्स जो है इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और ब्रेन तक लेके जाते हैं और ब्रेन हमें बताता है कि हमारे इर्द गिर्द हमारे इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है। इसके साथ साथ जो सेंसेस हैं वो हमें ख़तरात से भी बचाते हैं। नाउ कम टू दिस, डू यू नो आई लैशेज हेल्प कीप द आईज क्लीन बाय कलेक्टिंग स्मॉल डर्ट एंड डस्ट पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन द एयर। दे आल्सो प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग सन लाइट। वेल स्टूडेंट्स, आईज हमारी बॉडी का जो सेंसिटिव पार्ट है वो होता है, ठीक है। तो जो आपके हवा में छोटे छोटे, बहुत ही छोटे डस्ट और डर्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको हमारी आईज में जाने से बचाती है आई लैशेज, ठीक है। और इसके साथ साथ जो आपके सूरज की तेज़ रोशनी होती है वो भी आई लैशेज हमारी आंखों में जाने से बचाती है। नाउ कम टू दिस आईज, व्हेन द आईज आर सी समथिंग दे सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन। The brain tells us what we are seeing. जब हमारी आंखें कुछ देखती हैं तो हमारी आईज में मौजूद जो नर्व्स हैं वो ब्रेन तक मैसेज लेके जाती हैं और ब्रेन हमें बताता है कि हम क्या देख रहे हैं। Come to the next. Ears. The ears receive sounds from outside. The sounds are carried to the brain. The brain tells us what is making the sound and where the sound is coming from. Our ears enable us to hear and also help us to keep our balance. जब हमारे कान जो हैं जब भी कोई आवाज़ सुनते हैं तो उस आवाज़ को ब्रेन तक लेके जाते हैं। ब्रेन हमें बताता है कि वो आवाज़ कैसे प्रोड्यूस हुई है और कहाँ से आ रही है। इसके साथ साथ ब्रेन जो ईयर हैं वो हमें सुनने में हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी का जो बैलेंस है वो बरकरार रखने में हेल्प करते हैं। So that's all about today's topics. Now come to the discussion corner. Here you can see a discussion corner. अच्छा जी, discussion corner में आपका जो first question है वो है why brain is called the control center of the body. Brain को body का control center क्यों कहा गया है? Give the reason. The next one, what are the functions of eyelashes?
आई लैशेज के आपने फंक्शंस बताने हैं। थर्ड एंड द लास्ट वन, आवर ब्रेन कंटेन हाउ मच वाटर, आपके ब्रेन में कितने परसेंट पानी मौजूद है। वेल स्टूडेंट्स, होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड फाइव सेंसेस इंक्लूडिंग आइज एंड ईयर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सेंसेस को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।